हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आपके नन्हे शिशु के लिए एक राइस सीरियल की रेसिपी, जो बाजार में मिलने वाले सेरेलैक या राइस फूड से बहुत ही बेहतर है। बिल्कुल एक होममेड सेरेलैक की तरह है, जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही डिलीशियस है। दोस्तों, ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप अपने बच्चे के एज अ फर्स्ट फूड भी कोर्स के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये राइस से बनी है और राइस बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसका टेक्सचर ऐसा बन के आएगा कि ये बिल्कुल ही बाजार में मिल रहे रेडीमेड बेबी सीरियल्स की तरह ही आपको लगेगी और आपके बच्चे के लिए ये बहुत ही हेल्थी भी होगी। इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर जाकर उस पर क्लिक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हमारे चैनल की सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। ये जो आज हम आपको राइस सीरियल बनाना सिखा रहे हैं, ये आप अपने बच्चे को तब दे सकते हैं जब वो 6 महीने का हो जाए। उसके बाद आपको उसको सीरियल इंट्रोड्यूस करना होता है, तो एज अ फर्स्ट फूड भी आप इस रेसिपी को अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि राइस बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है अगर आप अपने बच्चे के लिए पहली चीज़ आप उसको देना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए राइस नॉन एलर्जिक होता है और यह बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होता है। आसानी से ये पच जाता है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही क्रीमी होता है, जिससे बच्चों को इसको खाने में दिक्कत नहीं होती। बाज़ार में जो सीरियल्स मिलते हैं, जो पैक्ड सीरियल्स होते हैं, वो पहले से पके हुए होते हैं, उनके बाद उनको डिहाइड्रेट किया जाता है, जिससे उसके काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और वह इतने हेल्दी नहीं रहते जितना कि वो क्लेम करते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने बच्चे के लिए इस राइस सीरियल को, इस होममेड सेरेलैक राइस सेरेलैक को बना सकते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है, इसको कैसे बनाना है, हम आपको सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप वाइट राइस या नॉर्मल राइस जो आप यूज़ करते हैं, 1/2 कप ब्राउन राइस और 1/2 कप मूंग की दाल। आप कोई और दाल भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे मूंग धुली ले ली है, क्योंकि वो बहुत ही पचने में आसान होती है और आपका बच्चा भी अगर बहुत छोटा है तो आप शुरू इसी दाल से कीजिए। जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप दूसरी दालें भी उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मल राइस लिए हैं, पर आप अगर अपने बच्चे के लिए इसको बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक राइस और ऑर्गेनिक दाल ही लें, जिससे उसको कोई नुकसान ना हो और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहे। तो आइए जानते हैं इसको बनाने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले ब्राउन राइस और वाइट राइस और दाल को आपको अच्छी तरह से धो लेना है। इनको तब तक धोना है जब तक जो इनमें पानी है वह क्लियर, यानी कि बिल्कुल ही पारदर्शी ना हो जाए और इनमें से सारी गंदगी ना निकल जाए। इसके बाद इनको अलग अलग, तीनों चीज़ों को अलग अलग, ब्राउन राइस, वाइट राइस और दाल को अलग अलग बर्तनों में थोड़ा सा पानी डालकर 6 घंटे तक आपको भिगो के रखना है। कोशिश करें कि आप इसको ढके नहीं। इनको भिगोने से यह है आपके बच्चे के लिए पचने के लिए और भी आसान हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप भिगोने के पार्ट को छोड़ भी सकते हैं, अगर आप ये इस प्रोसेस को लंबा नहीं करना चाहते तो आप धोकर सीधा ही इनको आगे के प्रोसेस के लिए तैयार कर सकते हैं। इनको भिगोने के 6 घंटे बाद आप इनमें से पानी निकाल लीजिए और इनको एक सफ़ेद कपड़े पर, साफ सफ़ेद कपड़े पर फैला दीजिए, जिनसे कि इनका सारा पानी जो है वह अच्छी तरह से निकल जाए। इनको आधे से 1 घंटे के लिए हवा में या पंखे के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हैं, या छाया में भी आप इसको सुखा सकते हैं, इनको पड़ा रहने दे। ये बात ध्यान रखें कि जो आप नीचे कपड़ा बिछा रहे हैं वह रंग ना छोड़ता हो, वह सफ़ेद हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपको पैन में इन तीनों चीज़ों को अलग अलग, वाइट राइस, ब्राउन राइस और दाल को अलग अलग ड्राई रोस्ट करना है। कोई घी कोई तेल इसमें नहीं डालना है, आपको इनके लो फ्लेम पे इनको हल्के हाथों से थोड़ी देर तक रोस्ट करना है। इनको आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इनके दाने बीच में से थोड़े थोड़े उछलने लग जाएं। जब ये दाने उछलने लग जाएं तो आप समझ लीजिए
आपके जो सेरेलैक के जो सीरियल के इंग्रेडिएंट्स हैं वह रोस्ट पूरी तरह रोस्ट हो चुके हैं और वह अब ग्राइंड करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह आपको अलग अलग तीनों चीज़ों को वाइट राइस, ब्राउन राइस और दाल को अलग अलग रोस्ट करना है। इन सब चीज़ों को रोस्ट होने के बाद इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख लें। इसके बाद एक ब्लेंडर या एक मिक्सर में इन तीनों चीज़ों को एक साथ डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। इनको आप चाहें तो थोड़ा कोर्स भी ग्राइंड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बिल्कुल बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। अब आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रूम टेम्परेचर पे, अगर ज़्यादा गर्मी है तो फ्रिज में भी इनको कुछ टाइम तक रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसको बनाने का तरीका। इसके लिए आप एक पैन में हाफ कप पानी लीजिए और इस जो मिक्सचर हमने ऊपर तैयार किया है उसका एक टेबल स्पून इसमें डाल दीजिए। इसको लो फ्लेम पर आपको धीरे धीरे चलाते रहना है। आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको जो भी पैन लेना है उसका जो बेस होना चाहिए, उसका जो बॉटम होना चाहिए वह हैवी होना चाहिए, जिससे कि यह नीचे ना लग पाए। इसके बाद यह धीरे धीरे जब आप इसको पकाएंगे तो यह कुछ ही मिनटों में अपनी कंसिस्टेंसी ले लेगा और कुछ ही मिनटों में यह तैयार भी हो जाएगा। जब यह ठंडा हो जाए तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो पकाते समय भी पानी की जगह इसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको ठंडा होने के बाद आप अपने बच्चे को खाने के लिए दे सकते हैं। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, हमने इस मिक्सचर में दाल ऐड की है तो अगर आपने दाल ऐड की है तो आप इसमें दूध पकाते हुए ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस राइस सीरियल को बिना दाल के भी बना सकते हैं। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो अपने बच्चे के टेस्ट के हिसाब से इसमें कोई फ्रूट्स के छोटे छोटे टुकड़े या फ्रूट्स की प्यूरी बनाकर या वेजिटेबल प्यूरी बनाकर या कोई भी लीफी वेजिटेबल को बहुत ही बारीक जो आपका बच्चा आसानी से खा सके उतने टुकड़ों में काट कर भी इस सीरियल में ऐड कर सकते हैं, जिससे ये आपके बच्चे के लिए और भी हेल्दी हो जाएगा और भी इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। ये सीरियल आप अपने नन्हे शिशु को भी दे सकते हैं और अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा भी है, टॉडलर है यानी 2-3 साल का भी है और वो उसका पेट ठीक नहीं चल रहा, उसको डायरिया की दिक्कत है, तब भी आप उसको ये दे सकते हैं। ये इतना इजीली डाइजेस्टेबल है, ये उसको आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा और उसको कोई इसको पचाने में दिक्कत नहीं आएगी और ये बहुत ही हेल्दी भी है। हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर बताया गया जो ये होममेड सीरियल है, होममेड सेरेलैक है, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने बेबी के लिए इसको एक हेल्दी फूड की तरह उसके ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।